रिजल्ट को लेकर के काफ़ी रैंडम से मैसेजेस और काफ़ी रैंडम से पीडीएफ मार्केट में यूँ कहा जाए तो पब्लिश कर दिया गया है, और बहुत सारे बच्चे उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ गया है। लेकिन जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे गए होंगे, चेक किए होंगे, तो आपको लगा होगा कि इधर तो कुछ भी नहीं है, फिर ये सब पीडीएफ किधर से आ रहा है। तो गाइज़, ये जो भी नामी गिरामी जो बनिया है या बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, वो बच्चों को अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने 2023 का जो दिसंबर एग्जामिनेशन हुआ था उसी पीडीएफ को एडिट करके उन लोगों ने उस तरीके के वीडियोस बना दिए। सवाल यहाँ ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो नहीं है गलत बात है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे काफ़ी पैनिक हो चुके हैं। और इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे बच्चों ने कल मैसेजेस भी करने शुरू कर दिए कि सर रिजल्ट आ गया है, एक बार देख लो, ये वो दिस डेट, बहुत सारी बातें। देखो गाइस, आज भी आपको बहुत सारे ऐसे रैंडम मैसेजेस, बहुत सारे रैंडम पीडीएफ वगैरह के वीडियोस आपके पास जा सकते हैं। सवाल यहाँ ये है कि एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अनस्टॉपेबल कोई भी ऐसा पीडीएफ यूज़ नहीं करेगा जिससे आप पैनिक हो या आपको एंजाइटीज महसूस हो। जो भी पीडीएफ मैं यूज़ करूँगा आज के बाद रिजल्ट आने तक, यानी कि आज, पहली बात तो यह है कि रिजल्ट कब आएगा इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन गाइज जो भी पीडीएफ मैं यूज़ करूँगा वो काफ़ी ऑथेंटिक होगा, काफ़ी नहीं, 100% ऑथेंटिक होगा, प्लस में वो ऑफिशियल होगा, तभी जा करके मैं किसी भी पीडीएफ को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अदरवाइज़ निश्चिंत रहो, पीडीएफ का मैं इस्तेमाल किसी भी वीडियो में नहीं करने वाला हूँ अनटिल अनलेस जब तक कि ऑफिशियली तौर से ना आ जाए। तो एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 100% कि रिजल्ट, चाहे जो भी जितने लोग भिड़े हुए हो, रिजल्ट सबसे पहले सबसे फास्ट आपको अनस्टॉपेबल पे देखने को मिलेगा। इसलिए गाइस, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि आप एंजाइटीज वगैरह से फ्री हो सको, बच सको, क्योंकि इतने सारे वीडियोज़ आएंगे, इतने सारे पीडीएफ्स आएंगे, इतने सारे बहुत सारी चीज़ें रैंडम रैंडम चलेगी, कोई कहेगा कि अभी निकल गया, कोई कहेगा अभी जारी हो गया, बहुत सारी चीज़ें चलेगी और आपको लगेगा हाँ यार आ गया, आप जाओगे देखोगे और कुछ नहीं मिलेगा उधर, ठीक है। बाद में कोई अपने टेलीग्राम पे ये शेयर कर देगा, यार वो तो टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से। यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, आपको शेड्यूल या बिना अपलोडिंग किए हुए कुछ जाता ही नहीं है, तो यूट्यूब के ऊपर कुछ भी जान बूझ करके आप अपलोड नहीं कर सकते। हाँ, इंस्टा वगैरह पे हो तो वो चल जाएगा कि हाँ एक क्लिक होगा और मे भी हो सकता है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे प्रक्रियाएँ होती हैं, उस पर आपको एडिट करना पड़ता है टाइटल को, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन डालना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइज, उसके बाद उसमें पब्लिश है, प्राइवेट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई ये कहे कि हाँ ये गलती से हो गया है, तो नहीं, ये गलती से नहीं हुआ है, ये जानबूझ करके किया गया है। और मैं बस ऐसे लोगों को यही कहूँगा कि देखो यार, बच्चों के साथ मत खेलो, ऑलरेडी बच्चे बहुत पैनिक हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइटीज में जी रहे हैं, क्योंकि पिछले 22-23 से ही रिजल्ट 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 की कहानी चल रही है, और कहीं ना कहीं माइंड में एक वो बन चुका है कि हाँ यार आ जाएगा, कल आएगा। सवाल यह है कि सर आज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देखो दोस्तों, आज के रिजल्ट की कहानी के ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आज जो रिजल्ट आने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत 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 हाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपको देखने को मिल जाएगा। मे बी अगर रिजल्ट आए भी तो सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिक नोटिस देखने को मिले, वो भी आपका ऑफिशियल जो NTA का वेबसाइट है या UGC NET का वेबसाइट है उधर, ठीक है। और अगर आज नहीं भी देखने को मिलेगा तो कल मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि फिर आप एंजाइटीज़ में जियोगे कि कैसे होगा नहीं होगा। तो गाइज़, ये वीडियो मैं अर्ली मॉर्निंग अभी मैं इसलिए शूट करके डाल रहा हूँ ताकि बस सको चीज़ों से। इवनिंग के समय एक कन्फर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना करके डाल दूंगा, जिसमें कन्फर्मेशन वीडियो रहेगा कि आज रिजल्ट के ऊपर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और आपको वेट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। हालांकि आज रिजल्ट आने के चांसेस बहुत हाई है, और यूँ कहा जाए तो 99.99% चांसेस है कि आज आपके रिजल्ट ऑफिशियल एंसर की जो फाइनल है वो, और साथ में स्कोर कार्ड वगैरह सब कुछ रिलीज कर दिया जाए आयोग के द्वारा। क्योंकि आप लोगों के माइंड में अब एक और बात आ रही होगी कि सर जो प्रीवियस डेट आपने बताया था, प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग बताया था, तो देखो यार उसके ऊपर मैंने कल बड़े डिटेल्स में बातचीत करा है टेलीग्राम पे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ भी ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग UGC NET के जो बच्चे हैं उनके साथ हम बातचीत लगातार करते रह रहे हैं, ताकि आप लोगों को एंजाइटिस वगैरह ना हो। इसके अलावा आपके माइंड में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ लेना, या आप टेलीग्राम पे में क्वेश्चन बॉक्स में डाल देना, वहाँ से आप अपने क्वेश्चन वगैरह को पूछ सकते हो।
दो तीन चीज़ें और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और वो क्या है कि रिलैक्स रहो, ठीक है ना, और शांत रहने की कोशिश करो, और कोई भी एक चैनल की जो वीडियोज़ है जो पब्लिश हो रहा है उसे ही देखो। हर व्यक्ति का वीडियो आपको देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे, और ये सारा खेल यू नो वेरी वेल कैसे चलता है, ठीक है। तो जो भी बच्चों के माइंड में डाउट है रिजल्ट का, तो अभी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है दोस्तों, और जो रैंडम पीडीएफ चल रहे हैं वो पीडीएफ आपके प्रीवियस ईयर का है, करेंट ईयर का नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कोई अपडेट नहीं है, और कंफर्मेशन वीडियो मैं आपको शाम के आसपास ही दे पाऊंगा, अगर वो भी पॉसिबल हो पाया तो। अगर उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो ही आप लोगों के समक्ष में आ पाऊंगा, अदरवाइज विदाउट इन्फॉर्मेशन आना फिर मेरे को नहीं लगता है कि सही है, ठीक है। इसके अलावा गाइज मैं इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो वेरी वेल क्या करना है, लाइक करना तो कर लेना, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप और वेट करो, और थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।